वेलकम बैक टू माई चैनल हर्षिता अविनाश ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइज, आज मेरा वो दिन आ ही गया फाइनली, जो दिन का मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था, मतलब लंबे टाइम से इंतज़ार था गाइज। और मैं हाँ आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रखी, लेकिन आज मैं पक्का डिक्लेयर कर दूँगी इस बात का, मैं आज गारंटी दे रही हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं वही अपना बचपन का सपना पूरा करने। तो गाइज चलते हैं। उसके बाद गाइज हम लोग निकल पड़े घर से और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। वो ऑफिस से आने का उनका वेट हो रहा था यहाँ पे। यहाँ पे मम्मी पापा देवर के बाइक पे जाते और मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती। तो फिर यहाँ से हम लोग निकले और निकले, उसके बाद क्या हुआ ना, सडनली मतलब पापा और ये चले गए उनके बाइक पे और मैं, मम्मी और बाबू और देवर जी लोग चले गए। उसके मतलब फाइनली हाँ गाइज, हम लोग को गाड़ी लेना था, मेरा बचपन का सपना था मारुति सुजुकी से। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए अपना गाड़ी लेने। एंड गाड़ी लेने के लिए हम मम्मी पापा, पापा जी बहुत खुश थे। मैं पापा जी से पूछ रही थी, पापा जी कैसा लगा आपको कलर ये वो। मतलब गाइज अगर पेरेंट्स के फेस पे आदमी स्माइल देख लेना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोग को चाय मिला पीने के लिए, हम लोग आज बैठ के चाय पी रहे। उसके बाद देन दीदी लोग आ गई, दीदी जिया जी बाबू लोग सब पे आ गया। एंड देन फिर गाइज ये है हमारा गाड़ी, मतलब बहुत टाइम से मेरा शौक था, मेरा बचपन का सपना था गाइज रियली। यहाँ पे कॉलेज वगैरह हो रहा था, मतलब क्लीन करके देते हैं हर चीज़। फिर यहाँ पे सुबह गोपली बैठ गया, मैं वो लोग से पूछ रही थी बेटा मामी का गाड़ी कैसा लगा, तो वो बता रहे थे बहुत अच्छा। फिर मैं यहाँ बाबू को बैठाई, बाबू को बैठाने के बाद फिर मैंने इधर आया। उसके बाद मैं पूछी कैसा लगा गाड़ी बेटा मेरा। उसके बाद यहाँ मम्मी, मतलब मम्मी के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा खुशी था, मम्मी भी बहुत खुश थी, बस थोड़ा सा टेंशन में थी। लेकिन और ये रहा मेरा आर्टिका का VXI मॉडल, मेरा फेवरेट गाड़ी है ये, इसलिए हम लोग ये सोच के लिए, ये मेरे हस्बैंड के फेस पे सर देख सकते हो, मतलब सभी को हम लोग बहुत 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 खुश थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मन था जो अभी जाके हम लोग पूरा किए अपना सपना। हाँ गाइज, मतलब बोलते नहीं हिम्मत रखो तो सब चीज़ हो जाता है, तो बस हम लोग पूरा किया। उसके बाद गाइज मम्मी पापा के फेस पे ना देख, स्माइल देख के ना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर कुछ वीडियोस बना रहे थे, रील्स वगैरह, और यहाँ पेपर का डीलिंग वगैरह चल रहा था, मतलब सब प्रोसेस में था इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। ये यहाँ पे हमने वीडियो बनाए थे गाइज, तो कुछ होता नहीं है, कुछ वीडियोस प्रॉपर नहीं बनते। तो फिर यहाँ पे ना मतलब बाबू बना रहा था वीडियो, क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे तैसे क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था, मैं ध्यान नहीं दी थी कैसे कर रहा। तो फिर यहाँ पापा जी थे, हाँ गाइज पापा जी के सामने मैं सर पे पल्लू रखती हूँ, और ये मेरे बेटा को देख लो, ये डबल खुश था, मतलब कह नहीं सकते इसका, ये और खुश रहता है हर जगह जाता है तो और खुश रहता है। ये देखो बदमाशी लड़का का, मतलब बदमाशी कर रहा है बाबू के साथ। ऐसे यहाँ हम लोग रील्स बनाते बनाते बैठे रील्स बना रहे थे और थोड़ा बहुत बाबू क्लिप रिकॉर्ड किया गई। तो ये रहा हमारा न्यू मॉडल जो कि बहुत टाइम से मन था। एंड पापा हाय कर रहे हैं और दीदी सबको पूछे तब कैसा लगा हमारा गाड़ी। और ये निकल रहा है शोरूम से हर चीज़ फाइनल होने के बाद, और मेरे हस्बैंड सब चीज़ करवा दिए, उसके बाद ये गाड़ी यहाँ से निकल रहा है। और यहाँ पे हम और सब कोई बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारा गाड़ी चलो निकल तो गया, मतलब बहुत ज़्यादा मन था कि जल्दी से गाड़ी आ जाए, जल्दी से गाड़ी आ जाए। स्टे ट्यून। तो गाइज वेट करो पार्ट टू का, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स है, वेट करो।